प्रदेश में जुमे की नमाज को लेकर आज प्रशासन हाई अलर्ट पर, एहतियात के तौर पर लखनऊ समेत प्रदेश के 15 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर लगा दी गई है रोक। कानपुर, गाजियाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद, मथुरा और आगरा में इंटरनेट पर लगाया गया बैन। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करते हुए गश्त बढ़ा दी गई है। प्रदेश के सभी संवेदनशील जिलों में पुलिस, पीएसी और केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है। शरारती तत्वों पर ड्रोन से रखी जा रही है नजर। कानपुर में जिला प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। पुलिस बल के साथ जिलाधिकारी और एसएसपी लगातार लोगों के बीच जाकर शांति व्यवस्था बनाए जाने की कर रहे हैं अपील। लोगों से बात कर उनकी आशंकाएं की जा रही हैं दूर। प्रदेश में सीएए कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने वाले उपद्रवियों को चिन्हित कर नोटिस किए गए हैं जारी। हिंसा के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई हो चुकी है शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों पर नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में जानबूझकर लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दिल्ली में हाल ही की हिंसा के लिए कांग्रेस है जिम्मेदार। सीएए कानून के समर्थन में आज देश के कई भागों में रैलियों का किया जाएगा आयोजन। भारतीय जनता पार्टी मुंबई में एक विशाल रैली करेगी। असम में भी भाजपा एक शांति रैली कर रही है और पुदुचेरी में भी सीएए के पक्ष में निकालेगी एक जुलूस। प्रदेश में पड़ रही भीषण ठंड को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेसहारा और गरीब लोगों की सुध लेने के लिए गुरुवार देर रात लखनऊ में रैन बसेरों का किया निरीक्षण। उन्होंने प्रदेश के सभी रैन बसेरों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि फरवरी 2020 से हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी पर रविवार को आरोग्य मेले लगाए जाएं। लगातार 2 साल तक चलने वाले उक्त आयोजन में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा विभिन्न रोगों की जांच और इलाज की सुविधाएं कराई जाएं सुनिश्चित। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में मोबाइल ऐप का बटन दबाकर 7वीं आर्थिक गणना का किया शुभारंभ। उन्होंने कहा कि हमने 2 वर्ष पहले ये निर्देश दिए थे कि सड़कों पर ठेला, खोमचा, रेहड़ी और पटरी व्यवसायियों का व्यवस्थित रूप से किया जाए आकलन। MiG-27 लड़ाकू विमान की साल 1999 कारगिल में अहम भूमिका निभाने के साथ ही भारतीय वायुसेना में 3 दशक से अधिक समय तक सेवा में रहने वाले लड़ाकू विमान MiG-27 ने आज भरी आखिरी बार उड़ान। सीएए अधिनियम को लेकर पिछले दिनों अमरोहा में जहां कुछ असामाजिक तत्वों ने किया उपद्रव, वहीं अब सभी धर्मों के लोग मिलकर सांप्रदायिक सौहार्द के लिए आ रहे हैं आगे। इंग्लैंड में जनरल डायर को मारकर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने वाले महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह की 120वीं जयंती वाराणसी मनाएगी बड़े धूमधाम से। इस मौके पर गुरुद्वारा निची बाग व गुरुबाग से आए रागी जत्थे द्वारा भजन किया गया प्रस्तुत। राजकीय पक्षी सारस की जीवन रक्षा के लिए शासन की गंभीरता को देखते हुए जनपद कासगंज में वन विभाग राजकीय पक्षी सारस और उसके कुनबे की तलाश और गणना कर संरक्षण और संवर्धन के लिए जुट गया। प्रदेश में पारा लगातार नीचे गिरने के कारण पूरे राज्य में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जबरदस्त गलन भरी शीतलहर, ठंड और कई स्थानों पर घने कोहरे की जारी की है चेतावनी। आगरा में शीतलहर और कोहरे से जनजीवन पर पड़ा गहरा असर। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का ले रहे हैं सहारा। आगरा में कोहरे के चलते ट्रेनों पर भी गहरा असर हुआ है।